नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सभी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल डीजेन ट्यूटर को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दोस्तों, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बता भी दिया कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल है जो, उसका जो रिज़ल्ट है अब वो न्यू मेथड से आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, हम उसकी जो कट ऑफ है फाइनल, वो हम आपको न्यू मेथड के अकॉर्डिंग ही बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम बात करते हैं जो उसकी कट ऑफ है वो आपकी किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। वो आपकी वैकेंसीज पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पोस्ट एंड थर्ड कितने एप्लीकेंट्स क्वालिफाई हुए। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें एप्लीकेंट्स की। तो दोस्तों, जो आपका रिटन एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपके लगभग 38,547 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए थे। हम दोस्तों मेल और फीमेल दोनों का साथ लेकर चल रहे हैं। साथ ही दोस्तों, जो आपका PST हुआ था उसमें आपके 29,229 कैंडिडेट्स ने क्लियर किया था। बात करें PMT की, तो दोस्तों आपके 26 से लेकर 27,000 तक कैंडिडेट्स ने आपका PMT क्वालिफाइड किया था, जिसमें कि आपके 4,000 के समथिंग आपके जो कैंडिडेट्स थे वो अदर स्टेट के थे और बाकी सब आपके हरियाणा के थे। अब बात करते हैं दोस्तों वैकेंसीज़ की। तो वैकेंसी हम कैटेगरी वाइज लेंगे, आपकी अनरिजर्व में है 1980 वैकेंसी, EWS में है 550 वैकेंसीज एंड आपकी BCV में है 440 वैकेंसी। साथ ही दोस्तों, आपकी BCA में है 770 वैकेंसी एंड आपकी SC में है 990 वैकेंसी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आपका रिज़ल्ट किस तरीके से आएगा। तो दोस्तों, पहले आपका रिज़ल्ट आ रहा था परसेंटाइल मेथड से, जिसमें कि अगर किसी के 64 मार्क्स हैं तो उसकी परसेंटाइल मेथड से उसकी परसेंट कर दी थी 89, या फिर आप कह सकते हैं सीधे सीधे उसकी परसेंटेज कर देते थे 99%, जो कि बहुत ही अनकॉमन था। किसी तरीके से इसको हम कह नहीं सकते किस तरीके से वो परसेंट कर उसे इतना इंक्रीज़ कर देते थे। लेकिन आपका अब जो रिज़ल्ट लगाया जा रहा है वो हम पॉसिबिलिटी के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो इस तरीके से आएगा। जैसे कि अगर किसी के एग्ज़ाम में मार्क्स 64 हैं और उसको जो सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स 9 मिल जाते हैं, तो जो आपके मार्क्स हैं 73 बैठते हैं टोटल। तो आपकी जो मेरिट है वो अब इस तरीके से आने वाली है, आपके एग्ज़ाम मार्क्स और साथ ही जो आपके अदर जो मार्क्स आपको मिल रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, उन्हें ऐड कर जो आपके मार्क्स मिलेंगे वो उन्हीं के हिसाब से आपकी कट ऑफ बनेगी। तो हम जो आपकी कट ऑफ है वो इसी मेथड के अकॉर्डिंग आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हम कैटेगरी वाइज लेंगे। फर्स्ट हम बताएंगे अनरिजर्व की, जनरल की। अगर आपके नंबर 54 to 58 बैठ रहे हैं आउट ऑफ 100, देन यू आर सेफ। और EWS की बात करें तो 53 to 56। दोस्तों, इससे ऊपर कट ऑफ जाने के कोई भी चांसेस बिल्कुल भी नहीं है आपके। आगे बात करें BCV की तो 51 to 55। नेक्स्ट बात करें BCA, आपकी कट ऑफ 50 to 52। SC 46 to 49। ESM 36 to 39। तो दोस्तों, अगर आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करें, अगर आप किसके आसपास हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ महसूस कर सकते हैं, साथ ही आप अपनी ज्वाइनिंग की तैयारी आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें
और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें।